अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। न्यू वीडियो के साथ हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करते चले। आज हम बना रहे हैं बड़े की ओजुड़ी, और बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी से भरपूर मुनफरिद जायके के साथ बनाने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके के साथ। ज़रा सी भी कोई भी बोटी कच्ची नहीं रहेगी, बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगी। और रही इसको साफ़ करने का तरीका, अगर आप लोगों को उसकी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, हम आप लोगों के लिए ज़रूर वो वीडियो बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रेशर कुकर ले लिया, उसमें 2 किलो हम लोगों ने ओजुड़ी ली थी जिसे अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। अगर आप लोगों को इस ओजुड़ी को साफ़ करने की वीडियो चाहिए तो आप हम लोगों को कमेंट करें तो हम आपके लिए ज़रूर इस वीडियो को बनाएंगे। तो ओजुड़ी हम लोगों ने ऐड कर दी है, साथ ही हम लोगों ने पानी भी ऐड किया है। पानी हम लोगों ने 2 गिलास ऐड किया है, साथ ही अब 2 अदद प्याज ऐड करेंगे। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2 चम्मच ऐड करेंगे, साथ ही हम टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। इस टमाटो प्यूरी की वीडियो की लिंक हम लोग आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाके विज़िट कर लीजिएगा। आप लोग चाहे तो फ्रेश टमाटर का पेस्ट भी बना के ऐड कर सकते हैं। वन टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे, साथ लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड करेंगे हाफ, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून। तो फ्रेंड, मसाले हम लोगों ने ऐड कर दिए, इसको एक दफ़ा ज़रा मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हम लोगों ने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब हम इसको 30 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। आप लोग से मिलते हैं 30 मिनट बाद। फ्रेंड, 30 मिनट के बाद हम लोगों ने प्रेशर कुकर ओपन कर लिया है और ओजुड़ी बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। अब हम इसमें ऐड कर रही है घी, आप लोग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी, लेकिन हम लोग घी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। तो हम लोगों ने 1 चम्मच घी ऐड किया बड़ा वाला, क्योंकि जितनी तरी होगी उतना ही सालन खूबसूरत लगता है दिखने में। तो फ्रेंड, अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे, साथ ही हम इसमें ऐड करें कसूरी मेथी, इससे इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, हम लोगों ने कसूरी मेथी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसके साथ। अब हम आप लोग देखें कि इसमें अभी बहुत पानी है, तो हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे जब तक ये पानी इसका खुश्क नहीं हो जाता। तो इस स्टेज में हम लोग फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि जल्दी से पानी खुश्क हो जाए। तो फ्रेंड, ये देखिए पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से खुश्क हो गया, और माशाल्लाह ओजुड़ी की जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इस स्टेज में हम लोग गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इससे इसकी खुशबू में और भी इजाफा आ जाएगा। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं धनिया हरी मिर्चों के साथ। तो चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो फ्रेंड, ये है इसकी फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी आप लोगों को ये रेसिपी, ट्राई करिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा जाते जाते, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।